firstly, Nimrit, we are not happy to see you so early out of a Big Boss house. How sweet of you to have said that. Why so early? Like, almost you are there. Yeah, but can I be very honest? Like, it would have been a massive jolt had it been a normal course of elimination. Genuinely, I say this. You know, had it been like a pan-India voting happening and then something like that happening, I think it would have hit me harder. But the fact that it was on the basis of, you know, of the opinion of certain people, it's okay. I mean, everybody has their choices, and I do believe in destiny. And I also do believe in the fact that jiska jahan tak likha hota hai, wo utna hi rehta hai. I feel very proud of the fact that I stayed this long. I genuinely, you know, feel very proud of the fact that I was this honest in the game. In the game. In the house. You know, and ek reality show mein, this is the maximum, you know, like this was every aspect of me. Good, bad, ugly, real. This was... इस से ज़्यादा रियल आई डोंट नो व्हाट एल्स वुड इट हैव बीन लाइक निमित्त आप ऐसी कंटेस्टेंट की जिन्हें कैप्टेंसी भी मिली और फर्स्ट कंटेस्टेंट की जिन्हें टिकट फिनाले वीक स्टार्ट होते ही आपको ही पहला बाहर निकाल दिया गया तो लोगों के आपकी लगता है कंटेस्टेंट की नज़र लग गई थी आपकी टिकट तो फिनाले वीक के बारे में नज़र बट ठीक है लोगों की नज़र उन्हीं लोगों को लगती है ना जिनमें कुछ बात होती है तो कोई बात नहीं सबसे पहले जिस दिन घर के अंदर घुसी वो मोमेंट द बटरफ्लाइज इन द स्टमक एक तमाम जब आई यू नो बहुत सारे मोमेंट्स अभी तो डैड का भी घर पे आना इतने सारे हाइज रहे हैं इतने सारे और इतनी सारी मेमोरीज रही हैं कि इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू चूज दैट विच वुड बी द बेस्ट बट देयर हैव बीन मैसिव लाइक देयर हैव बीन मेनी हाई पॉइंट्स एंड वो हमेशा याद रहेंगे How was your face inside the house? Because we know, I have seen you when you were in the Choti Sardani and how you used to deal with the long hour shows and your depression. I've never actually hidden it. आपको भी पता है मैंने कभी छुपाया नहीं है और मुझे लगता है कि as an actor, भले ही मुझे 200 लोग you know, follow कर रहे हो या मुझे चाह रहे हो पर अगर उन 200 लोगों तक भी मैं ऑनेस्ट रहकर उनके साथ ऑनेस्ट रहकर क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया तो अगर मैं उनके साथ ऑनेस्ट रहकर उनकी थोड़ी सी भी मदद कर सकती हूँ तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है और चीज़ें बोलना आसान होता है बट जब आप खुद उस चीज़ से गुजरते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ वाकई मुझे कुछ करना चाहिए एंड मुझे कभी भी मतलब मैंने शाया वे नहीं करा इसको लेकर और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है मुझे लगता है कि आधे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं सो आई जस्ट फेल्ट दैट देयर इज नो पॉइंट हाइडिंग इट एंड इफ आई कैन बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड अबाउट माई इमोशंस बिना उसको कैमोफ्लैज करे अपने ऑनेस्ट इमोशंस अगर मैं दुनिया के सामने रख सकती हूँ तो इससे बड़ी बात और कोई है ही नहीं क्योंकि उसमें भी हिम्मत चाहिए होती है एंड और अगर वो सब देख कर किसी की भी मदद हो सकती है एक इंसान की भी मदद हो सकती है तो वाई नॉट हमेशा ये कहा जाता है कि आपने शिव के साथ खेला है पंडित के साथ खेला है वही साजू जी एक दिन आते हैं स्टेज पे सलमान जी के साथ वो कहते हैं कि मंडली ओनली इज मेड फ्रॉम शिव एंड अब्दू एंड साजू जी ओनली हैव यू फेल्ट बैड कि उन्होंने आपका सिंबल का नाम नहीं लिया एक्चुअली पहले तो मुझे ये कॉन्वर्सेशन के बारे में पता भी नहीं है और दूसरी चीज़ ये अगर हम कोर ग्रुप की बात करें तो जो लोग डे वन से दोस्त थे वो थे ये चार लड़के क्योंकि ये लोग रूम ऑफ सिक्स में रहते थे वक्त के साथ साथ जैसे शिव और मेरी दोस्ती हुई साजिद जी से मेरी डे वन से फ्रेंडशिप थी तो वो धीरे धीरे यू नो मैं आई फिर साजिद जी और सुम्बुल का कनेक्शन अच्छा बना अगर मैं कोर और डे वन की बात करूँ तो डे वन पे ये चार लोग थे वो तो अपनी जर्नी के धोखों की वजह से यू नो आप मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ फिर आप मुझे धोखा देती हैं फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार इससे तो मैं बात नहीं कर सकती करते कराते आप वो जब हिट एंड ट्रायल होता है तब आपको अपने लोग मिलते हैं तो वो भी एक पार्ट रहा है एक जर्नी रहा है टू डिस्कवर कि कौन अपने हैं या कौन है जिनके साथ मैं बैठ सकती हूँ
राइट. तो आई थिंक वो सुंबल और मेरे लिए वो वैसी सिमिलर एक जर्नी रही है जो डे वन पे नहीं शुरू हुई, लेकिन उसकी भी यही खूबसूरती है कि वो डे वन पे शुरू नहीं हुई. शायद हमें उस दोस्ती की वैल्यू नहीं होती अगर हमें वो डे वन पे मिली होती. आपके और प्रियंका के झगड़े हमेशा लाइम लाइट्स में रहे हैं क्या? हाँ क्या नो इट्स वाज लाइक कि जब दो कलर्स की बहू एक साथ आएंगे तो कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्लैशेस हो रहे थे, दोनों की थॉट्स नहीं मिल रही थी. हाँ इस पे क्या कहना? जैसा कि आपने कहा कि हमारे थॉट्स ही मैच नहीं करते थे, यू नो मैं मुझे कई बार बहुत डिस्टर्बिंग लगता था कि वो एक पल कुछ बोलती थी और फिर उसका विपरीत करती थी, या कई बार ऐसा होता था कि वो एक जजमेंट पास करती थी एक सिचुएशन पे और कट टू जब वही सिचुएशन उसके साथ होती थी तो वो सेम चीज़ करती थी और बोलती थी कि नहीं नहीं पर मैं सही हूँ. तो शायद इन्हीं थॉट प्रोसेसेस के डिफरेंसेस की वजह से हम कभी दोस्त नहीं बन पाए, बट हमने हमेशा घर में कोएग्जिस्ट करा है और जब एक दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो बोला है, जो कि सभी बोलते हैं. सो ठीक है, कोई गल नहीं. बीच में आपका और सौंदर्य और शालीन का अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन नैंसी शालीन के साथ कभी मेरी दोस्ती नहीं हुई. बॉन्ड मतलब एक अच्छी बातचीत हुई थी थोड़े पीरियड के लिए, पर वो चीज एनसी और शेफ को अच्छा नहीं लगा एंड दे फेल्ट वेरी बैड. एक चीज़ होती है कि जब दोस्ती होती है ना तो एक प्रोटेक्टिवनेस तो रहती है, करेक्ट. और दूसरी चीज़ ये कि शायद उनको भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि हम लोग कभी शालीन के दोस्त नहीं थे. अब ये कंटेस्टेंट है, दोस्ती बहुत गहरा शब्द है. दोस्त तो हमारे सिर्फ यू नो मंडली ही हमारी दोस्त थे जिनके लिए हम मर मिट जाएंगे, बट बाकी सब तो एज कंटेस्टेंट्स आप बात कर सकते हो. तो तब मैंने और सुम्बुल ने भी उन्हें कहा कि तुम भी तो टीना और प्रियंका के साथ चिल करते हो, बात करते हो, डांस करते हो, तो तुम लोग ये कर रहे हो तो हम क्यों नहीं करें, हम भी बात कर सकते हैं. लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपके लिए काफी प्रोटेक्टिव है, ट्विटर पे लड़ाई होती है, तो देयर इज टू बी अ अलग ट्विटर गैंग. ऑनेस्टली आई कैन नॉट थैंक ईच वन ऑफ यू इनफ, क्योंकि ये जो जर्नी रही है ना 4.5 months की, ये सिर्फ मेरी नहीं रही है, ये आपकी भी रही है. और अगर मैं आज यहाँ हूँ तो आपके प्यार की वजह से, एंड आई रियली 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 वॉन्ट टू थैंक यू, क्योंकि जब भी मेरे लोज रहे हैं ना मैंने इन्हीं चीज़ों को याद करके अपने आप को समझाया कि नहीं, बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, यू नो उनके लिए खड़े होना है या उनके लिए वापस से आई हैव टू स्टार्ट. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.